मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। लालजी टंडन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि बाबूजी नहीं रहे। देर रात ही लालजी टंडन की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। गंभीर हालत थी उनकी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, सपोर्ट पर रखा गया था। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही थी और आज सुबह 5:30 बजे ये सूचना मिली उनके निधन की। उनके बेटे खुद के उन्होंने ट्वीट करके हुए बताया, बाबूजी नहीं रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने काफी अहम जिम्मेदारी संभाली। हालांकि उसके पहले वो बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल चुके थे और लालजी टंडन बीजेपी के काफी कद्दावर नेता भी रहे। राजनीतिक जीवन पर अगर हम नजर डालें, उनके काफी अच्छे संबंध थे अटल बिहारी वाजपेयी से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी लोगों में लालजी टंडन की गिनती होती थी। अटल जी के सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद लखनऊ सीट से लालजी टंडन चुनाव लड़े और उन्होंने चुनाव बाकायदा जीता। लालजी टंडन पार्टी में ही नहीं बल्कि विरोधियों के भी वो काफी लोकप्रिय थे। दरअसल मध्य प्रदेश की राज्यपाल, जो कि एक अहम जिम्मेदारी उनका जरूर कार्यकाल कम रहा हो लालजी टंडन का, 2019 में चूंकि वो राज्यपाल बने थे और उसके बाद बीते कुछ समय से वो काफी बीमार चल रहे थे। उसके बाद प्रभारी राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 12 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे। संघ से जुड़े रहने के बाद वो काफ़ी सक्रिय रहे और अचानक उनकी मुलाकात फिर अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में आए और 1958 में कृष्णा टंडन से उनकी शादी हुई। उनके बेटे गोपाल टंडन, जो कि फिलहाल योगी सरकार में मंत्री हैं, और लखनऊ में ही अटल जी और लालजी टंडन की जोड़ी की काफ़ी चर्चा होती थी, काफ़ी उनकी एक जोड़ी की चर्चा होती थी। लालजी टंडन जो कि 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य रहे, पहला कार्यकाल 1978 से 1984 और दूसरा कार्यकाल 1990 से 1996 तक रहा। वहीं 1991 से 1992 तक लालजी टंडन यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। फिर 1996 से 2009 तक लगातार वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे। 1997 में वो यूपी में नगर विकास मंत्री रहे, साथ ही यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रहे। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में वो पहली बार 2009 में चुनाव लड़े और फिर जीतकर सीधा संसद पहुंचे और 2014 में लालजी टंडन की जगह लखनऊ से, हालांकि राजनाथ सिंह ने चुनाव लड़ा क्योंकि उम्र काफ़ी लालजी टंडन की हो गई थी और फिर बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। लालजी टंडन ने एक किताब भी लिखी और उनकी किताब का नाम अनकहा लखनऊ था। अनकहा लखनऊ, जिसमें उन्होंने लखनऊ को लेकर कई खुलासे किए। स्नातक की पढ़ाई की उन्होंने, 1935 में जन्म हुआ लालजी टंडन का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका काफ़ी जुड़ाव रहा। जब वो युवा थे अपने शुरुआती जीवन में, उस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। उसके बाद 1958 में लालजी टंडन का कृष्णा टंडन से विवाह हुआ। हम रुक करेंगे इस वक्त शरद द्विवेदी जी हमारे साथ न्यूज हेड फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। शरद जी, पूरे राजनीतिक जीवन पर हम नजर डालें लालजी टंडन के, तो उनकी यही खूबी थी कि ना सिर्फ सत्ताधारी दल, ना सिर्फ बीजेपी पार्टी, बल्कि जो विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, वो भी लालजी टंडन को काफी लोकप्रिय थे, उनके भी काफी लोकप्रिय थे, काफी पसंद करते थे, यही उनकी खूबी थी। देखिए, वो उस उत्तर प्रदेश से आते थे जो केंद्र तक पहुंचने की चाबी माना जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में हमेशा बहुत अहम रहा है और उत्तर प्रदेश के राजनेताओं में भी आप देखेंगे तो इसी वजह से एक अलग किस्म की तासीर हमें उत्तर प्रदेश के तमाम पॉलिटिशियन में नजर आती है जिनका राष्ट्रीय राजनीति में भी दबदबा रहा है।
और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लखनऊ रुख करना पड़ा और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी वाराणसी जाना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो है ही, लेकिन राजनीतिक सक्रियता की दृष्टि से भी वो राज्य देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखता है। वो एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश को 4 या 5 प्रधानमंत्री दिए हैं, इसी से हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उस राज्य का कितना प्रभाव या कितना असर है। लालजी टंडन भी राजनीति की उसी धारा में बहते रहे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने ये भी देखा कि वो सभी को साथ लेकर चलने वाली एक राजनीतिक धारा है और वो तो उस राजनीतिक धारा के प्रतिनिधि राजनेता रहे जिससे अटल जी निकले, जिससे जनता पार्टी के को जनसंघ नाम से जाना जाता था और 1980 से जो भारतीय जनता पार्टी हुई उस पूरी धारा को उन्होंने बहुत करीब से न सिर्फ देखा और समझा जी कि भारतीय जनता पार्टी का महत्व क्या है या जनसंघ का महत्व क्या है और उससे कैसे आगे बढ़ना है। दीपक, हमको उनसे इसी साल एनसी में बातचीत करने का लंबा मौका मिला कैमरे के साथ और बहुत सारे विषयों पर हमारी उनसे चर्चा हुई। हमने उनकी जीवन गाथा को भी समझने की कोशिश की और मुझे लगता है कि लालजी टंडन जी के चुनिंदा जो अंतिम इंटरव्यूज होंगे उनके जीवन के, उनमें संभवतः ये इंटरव्यू शामिल था। आगे हम उसको बंस न्यूज पर दिखाएंगे भी। लेकिन वाकई एक अलग किस्म के मिजाज के राजनेता थे। लखनऊ वैसे भी एक बहुत खुश मिजाज शहर माना जाता है, खुश मिजाजी उस शहर में है और यही खुश मिजाजी बाबूजी के लोकप्रिय नाम से पहचाने जाने वाले लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में ही। दीपक, बिल्कुल शरद जी, चूंकि आपने उनका इंटरव्यू भी लिया था और जाहिर है कि हम जीवन गाथा तो दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने जब इंटरव्यू लिया तो कोई ऐसी बात आपको उनकी ऐसी जो आकर्षित की हो या फिर ऐसी बात जो काफी पसंद आई हो, उनके व्यक्तिगत जीवन की हम बात करें या फिर राजनीतिक जीवन की हम बात करें। देखिए, उनके राजनीतिक जीवन की जो सबसे अहम बात मुझे लगी वो यही थी कि सबको साथ लेकर चलना। हमने उनसे जब पूछा था कि आपके समय मूल्यों की राजनीति की बात बहुत होती थी लेकिन आज की राजनीति बहुत अलग दिशा में चली गई है, तो उन्होंने कई ऐसे उदाहरण बताए थे कि विपक्ष के साथ किस तरह से वो अपनी राजनीतिक धारा को लेकर आगे बढ़ते रहे और किस तरह से वो आगे चलते रहे। और उनका ये भी कहना था कि राजनीति में आने का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं या किसी को ऊंचा दिखाएं, राजनीति का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। तो इस किस्म की दृष्टि और इस तरह की सोच को लेकर वो आगे बढ़ते रहे दीपक, और यही वजह थी कि इस पीढ़ी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण हमेशा से यही माना गया है। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर लालजी टंडन, जिनका एक काफ़ी प्रभावी राजनीतिक जीवन रहा, उन्होंने काफ़ी अनुभव उनके तो रहे हैं, काफ़ी अहम जिम्मेदारी तो उन्होंने संभाली ही, यकीन यही कारण था कि विरोधी भी उनको काफ़ी पसंद करते थे और विरोधी के भी वो लोकप्रिय नेता थे। शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पटेरिया साहब, बहुत दुखद खबर है, ये निधन हो गया है लालजी टंडन का और हम कहेंगे कि ज़रूर एक ऐसे युग पुरुष का अंत हुआ है, क्योंकि लालजी टंडन के पहले हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी, उनके निधन के बाद भी काफी बड़ी क्षति थी, ना सिर्फ प्रदेश के लिए देश के लिए भी। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, लालजी टंडन एक मजे हुए और सजे हुए राजनेता थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी का पॉलिटिकल मैनेजर सहयोगी समझा जाता था। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश की राजनीति के एक बड़े चेहरे अनूप मिश्रा, जो की अटल जी के भांजे हैं, स्वर्गीय अटल जी के भांजे हैं, उनके स्वर बगावती हुए तो उन्हें समझाने की जवाबदारी लालजी टंडन जी को दी गई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर वो मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया बने, शीर्ष क्रम में नंबर एक पर बैठे राज्यपाल बने और उनकी उम्र सबसे बड़ी बात है कि इस नाजुक दौर में थी जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह कोरोना का संक्रमण राजभवन में पसरा उसके चलते उनको वो अपने घर चले गए, लेकिन वहां भी उन्होंने बीमारियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अद्भुत एक लंबी उपचार के बाद में, लंबे इलाज के बाद में आज
टंडन जी हमारे बीच नहीं है। जब वो भोपाल आए थे तब हम जर्नलिस्टों के साथ मिले थे और जिस सौहार्दपूर्ण तरीके से मिले थे उससे मुझे एक मजे हुए और एक ऐसे राजनेता जो पितृवत व्यवहार करता है अपने जूनियर कुलीग के साथ में, जो हम लोगों को उसके उम्र बड़ा अंतर हुआ करता था, सबको सम्मान किया, सांची का प्रतिशत भी भेंट की और एक डायलॉग करने की कोशिश की। उनके जमाने में राजनीति राजनेताओं के अलावा सामान्य लोगों के लिए राजभवन के दरवाजे खुले हुए थे। तानदीप निहाल पूरा हुआ, राजभवन में एक इजी एक्सेस लोगों को दी गई और मुझे लगता है मध्य प्रदेश उनको सदैव याद रखेगा, सदैव उनका ऋणी रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिव अनुराग जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो लालजी टंडन जो कि 85 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और उनके राजनीतिक सफ़र की हम बात करें तो करीब करीब 60 साल उन्होंने राजनीति में रहे, यानी कि राजनीति में उन्होंने अपने जीवन के 60 साल दिए, क्योंकि 1960 वो साल था आज़ादी के 13 साल बाद जब वो एक सक्रिय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। उस वक्त लालजी टंडन की उम्र करीब 25 साल के आसपास थी, 25 वर्ष की आयु में वो एक सक्रिय राजनीति में आए और उनका सफ़र जो है राजनीति में पार्षद से शुरू हुआ। दो बार के पार्षद रहे, उसके बाद दो बार के विधान परिषद के सदस्य रहे और उन्होंने ही इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन उस वक्त जो चला था बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। इधर भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, राज्यपाल लालजी टंडन के दुखद निधन के समाचार सुनकर मैं बेहद दुख हुआ, मुझे भाजपा संघ की सेवा भावी चरित्र की पीढ़ी अब समाप्त होती जा रही है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, टंडन जी के परिवार जनों को मेरी संवेदनाएं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया है और श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और शोक व्यक्त किया है लालजी टंडन के निधन की जो खबर उन्हें मिली है। इस बात की जानकारी खुद लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन ने दी कि बाबूजी नहीं रहे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। हम रुक करेंगे इस वक्त, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रहलाद जी, बहुत हम ये एक कहेंगे कि एक ऐसे युग पुरुष का अंत हो गया है आज जिसने एक सक्रिय राजनीति में और राजनीति के जीवन में कैसी राजनीति की है, कैसा संदेश दिया है या आज के युवाओं को संदेश दिया है, आपका अनुभव कुछ लालजी टंडन के साथ मुलाकात के दौरान रहा हो हम जरूर चाहेंगे कि आप हमसे साझा करें। पहले तो मैं बाबूजी के चरणों में नमन करता हूँ। टंडन जी से मेरा संबंध जब हम लोग युवा मोर्चे में काम करते थे तब से आया है। लखनऊ जाते थे, कोई भी जो भी कार्यकर्ता प्रवासी कार्यकर्ता हो या अन्य कार्यकर्ता हो उनके यहाँ पर जाते थे तो बिना किसी को कहे उसकी भोजन की चिंता करना, बाकी चीजों की चिंता करना एक आम स्वभाव था। दूसरा उनका जो संयम था, आप कोई भी बात कहिए वो शांति से सुनेंगे और उसके बाद वो जवाब देंगे। इतनी सकारात्मकता और इतना शांत स्वभाव राजनेताओं में अक्सर नहीं मिलता, पर समन्वय के वो बड़े समर्थक थे। मैंने सदे अटल जी के समय भी मैंने उनको देखा है कि उनकी कितनी बात मानी जाती थी और सुनी जाती थी। मुझे लगता है कि एक ऐसा युग समाप्त हुआ है जो युवाओं को बड़ी प्रेरणा देता है और मुझे लगता है कि हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आज भी उनसे सीखने के लिए मिलता था। मैं अस्वस्थता के पहले भी उनसे मेरी भेंट हुई थी और बात भी हुई थी। जबलपुर में भी जब वो कार्यक्रम में आए थे तो अनेक बार मेरी चर्चा हुई है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। प्रहलाद पटेल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री फोनलाइन पर जुड़े और उन्होंने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। लालजी टंडन के निधन के बाद ना सिर्फ हम कहेंगे मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने अलग अलग पदों पर रहते हुए संभाली है। सक्रिय राजनीति का सफ़र, उनका राजनीतिक सफ़र भी हम अगर देखें तो काफ़ी दिलचस्प रहा है, काफ़ी उन्होंने जिम्मेदारियाँ संभाली। लालजी टंडन वो खुद कहते रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है लालजी टंडन के काफ़ी करीबी रहे और एक भाई के तौर पर, एक पिता के तौर पर, एक राजनीति साथी
तीनों ही भूमिका जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने लालजी टंडन के लिए अदा की। और 1960 से उनका एक तरह से हम कहेंगे कि राजनीतिक सफर शुरू हुआ जब वो 25 साल के थे। लालजी टंडन दो बार के पार्षद चुने गए, यहाँ से उनकी शुरुआत हुई राजनीति की और फिर दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अलग अलग अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। हमारे साथ इस वक्त राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए। गिरिराज जी, लालजी टंडन के निधन की ये जानकारी मिली है, हम कहेंगे ना सिर्फ प्रदेश के लिए एक देश के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि एक बड़े युग पुरुष का जो है समापन जो है हम कहेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। पूरी पूरी पूरा प्रदेश देश और लाखों हजारों करोड़ों लोगों को जी सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो जी जी, ये क्षति पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश की क्षति है जी। वो इतने महान पुरुष को हमने खो दिया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा में और राजनीति में और संगठन के खड़े करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया देश के लिए, और उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। और अपनी ओर से और अपने विधानसभा की ओर से और अपने सभी मध्य प्रदेश की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, श्रद्धा सुमन वो भी अर्पित कर रहे हैं। और लालजी टंडन के निधन के बाद हम कहेंगे ना सिर्फ प्रदेश के लिए पूरे देश के लिए ये एक बड़ी क्षति है। तो मध्य प्रदेश में हालांकि ज़रूर उनका राज्यपाल के तौर पर कार्यकाल काफ़ी कम रहा हो लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, मंत्री से लेकर तमाम अलग अलग पदों पर रहे। और लखनऊ जो कि खुद राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ से उन्होंने 2009 में चुनाव भी जीता, क्योंकि जब राजनीति से अटल बिहारी वाजपेयी दूरी बना रहे थे, उनकी भी तबीयत नासाज रहने लगी थी, ठीक नहीं रहती थी, तब पार्टी ने तय किया कि लालजी टंडन को लखनऊ से टिकट देकर लड़ाया जाए। और देखिए कि उन्होंने जीत भी हासिल की, 2009 में वो जीते और संसद पहुँचे, और उसके बाद अलग अलग जिम्मेदारियाँ उन्होंने संभाली, बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। 1935 को जन्म हुआ लालजी टंडन का, और उसके बाद उन्होंने स्नातक किया, पढ़ाई में उन्होंने उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हम नज़र डालें तो स्नातक किया था। और लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे, संघ से जुड़े रहने के दौरान ही उनकी मुलाकात हम कहें भेंट जो है अटल बिहारी वाजपेयी से हुई, और उसके बाद वो काफ़ी उनके करीबी रहे। और कृष्णा टंडन उनकी अर्धांगिनी, 1958 में कृष्णा टंडन से उनकी शादी हुई, उनका एक बेटा है गोपाल टंडन जो कि फिलहाल यूपी में योगी सरकार में मंत्री हैं। और लखनऊ में एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन की जोड़ी की खूब चर्चा होती रही, उनकी काफ़ी चर्चा होती थी। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे साथ गोपाल भार्गव जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। गोपाल जी, एक बड़ी क्षति है ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए लालजी टंडन का निधन हो गया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, लालजी टंडन पुरानी पीढ़ी के कैसे नेता थे जो सर्वमान्य भी थे, सभी दलों में मान्यता थी, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं वो स्मरणीय रहेंगे। अटल जी के साथी के रूप में मैं मान के चलता हूँ कि जब अटल जी दो जगह से चुनाव लड़े थे, विदिशा से और लखनऊ से, उन्होंने शायद लालजी टंडन के कारण ही लखनऊ को पसंद किया कि उनका सानिध्य रहेगा और विदिशा की सीट खाली की थी। मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने जो विधि सम्मत संविधान सम्मत आदेश दिए, जो निर्देश दिए, जो व्यवस्थाएं दी, खासतौर से उस संक्रमण के काल में जब सत्ता परिवर्तन 20 साल हुआ और उस उनके आदेशों के लिए उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने भी माना विधि सम्मत बताया, तो ये उनका अनुभव और ज्ञान जो है चौमुखी बहुमुखी ये उसी के कारण से हुआ। और सबके सम्मान के पात्र थे, मुझसे भी मिलते थे, मैं लीडर पोजीशन के तौर पर जब उनके पास जाता था शिवराज जी से भी मिलते थे और उतना ही वह कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से ही प्रेम से मिलते थे। कोई आदमी राजनीतिक नेता ये आरोप नहीं लगा सकता था उनके ऊपर कि भेदभाव कर रहे हैं, कुल मिला के समान व्यवहार सबके साथ जी।
तो कुल मिला के वही कुछ आदर्शों वाले, उच्च मान्यताओं वाले, श्रेष्ठ मान्यताओं वाले जो राजनेता थे, जिनका नहीं रहना निश्चित रूप से सभी को अखरेगा, उनकी कमी अखरे। चलिए धन्यवाद गोपाल जी। गोपाल जी, मैं बहुत संक्षिप्त में ये भी जानना चाहूंगा, मुझे एक और सवाल चूंकि याद आ गया, क्योंकि आप बतौर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में संभाल चुके हैं, और इस मर्तबा आपकी कई बार मुलाकात भी हुई, हमारी भी कई राजनेताओं से बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि काफी सौम्य सरल भाषी थे, पहले धैर्य से सबको सुनते थे, उसके बाद सबको अच्छे से जवाब देना, सबसे बातचीत करना, काफी मीठी बोली, मधुर भाषा। आपका जब जब उनसे मुलाकात या आपकी जब जब उनसे भेंट हुई, कोई ऐसा कोई किस्सा आपको याद आता है उनका? निश्चित रूप से, उस मैं बता रहा हूँ, खासतौर से संक्रमण काल में मेरा फ्रीक्वेंटली बार बार दिन में कई तीन बार भी आना जाना हुआ, लेकिन ये नहीं लगा कि उनके मन के अंदर ये कि अब इतना बार ज्ञापन लेके आ रहे हैं, इतने बार अपना कोई भी पत्र लेके आ रहे हैं जी, और कभी उसमें त्रुटि भी हुई, कोई कमी हुई, कोई किसी प्रकार की विधि अनुसार यदि उसमें बात नहीं उनने पाई, तो उन्होंने रात को 1 बजे ही बुला के कहा कि इसको ठीक करवाओ जी। ये खास तौर से तो इतनी आयु के बावजूद भी आधी रात को जागना और किसी बात के लिए निर्देशित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, यानी हम अपने कार्य के लिए वो काफी समर्पित थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल भार्गव जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव जी फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, और जाहिर है वो भी कह रहे हैं कि एक बड़ी क्षति है ये प्रदेश के लिए ही नहीं लेकिन देश के लिए, क्योंकि ऐसे राजनेता बहुत बिरले ही होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। इधर लालजी टंडन के निधन के बाद लगातार सभी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है लालजी टंडन के निधन पर। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने प्रिय अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध जो उनके थे, दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार और शुभ चिंतकों को मेरी संवेदना शांति। संवैधानिक मामलों के वो अच्छे जानकार थे लालजी टंडन। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ये ट्वीट कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद कर रहे हैं, तो अपनी शोक संवेदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए ट्वीट करते हुए की है। तो बीजेपी के काफी कद्दावर नेता रहे थे और इसके अलावा उनका काफी एक अलग ही राजनीतिक सफर रहा। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने भी ट्वीट किया है और अपनी शोक संवेदनाएं स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए लालजी टंडन के निधन के बाद की हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, तमाम अब राजनेता काफ़ी इसे एक बड़ी क्षति मानते हैं, एक बड़ा पार्टी के लिए ही, ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए कहें। इधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट किया है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए और परिजन को इस दुख की घड़ी में संबल और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी शोक संवेदनाएं लालजी टंडन के निधन के बाद व्यक्त की है। और देखिए, लालजी टंडन ना सिर्फ अपने सत्ताधारी दल या सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षियों के लिए भी काफी उनके पसंदीदा थे, लोकप्रिय थे। एमपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, लालजी टंडन ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है और एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए उनकी ईश्वर से आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए किया, कहा है, प्रार्थना की है। तो 85 साल की उम्र में लालजी टंडन सभी को अलविदा कह गए। 1935 को जन्मे लालजी टंडन, सक्रिय राजनीति में 1960 से आए। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उसके बाद अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। 2 बार पार्षद भी रहे, 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लालजी टंडन ने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1990 के दशक में जब सरकार बनी, बीजेपी और बीएसपी की जब गठबंधन सरकार बनी, तो उस वक्त उनका काफ़ी अहम योगदान रहा 90 के दशक में।
हमारे साथ कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। भूपेंद्र जी, ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि हम कहेंगे देश के लिए एक बड़ी क्षति है, लालजी टंडन का निधन हो गया। अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली, राजनीतिक सफर भी हम उनका देखें तो काफी दिलचस्प रहा है, जो बहुत कम आजकल देखने को मिलता है राजनेताओं में। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए निश्चित राजपाल जी, ये दुखद समाचार आज हम लोगों को मिला है। वो उनका लखनऊ में मेदांता में इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, और हम लोगों को लग रहा था कि वो जल्दी स्वस्थ होके फिर से मध्य प्रदेश आएंगे और उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा। परंतु ईश्वर की जो नियति है वो है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि उनका पूरा राजनीतिक जीवन निर्विवाद रहा, अनेक जिम्मेदारियों को उन्होंने संभाला, चाहे उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो लखनऊ से, और फिर गवर्नर के रूप में मध्य प्रदेश में। मुझे उनके साथ 2009 से 14 के बीच में सांसद रहने का भी अवसर मिला और मैं उनके पास ही, मेरी सीट थी, हम लोग हमेशा मिलते थे और वो पूछते थे, हालचाल पूछते थे। बहुत सौम्य व्यक्तित्व था उनका और हमेशा हसमुख स्वभाव था उनका, लोगों से मिलते थे जी। और साथ ही गवर्नर के रूप में अगर हम लोग देखें तो जिस निष्पक्षता के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में काम किया है वो एक अपने आप में ऐसा एक मिसाल के रूप में है। जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था मध्य प्रदेश में, राजनीतिक घटनाक्रम, तब उस समय जिस निष्पक्षता से उन्होंने सारे निर्णय लिए, निष्पक्षता से उन्होंने अपनी राय ली या निर्णय लिए, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में एजेट उसी उन्होंने जो निर्देश दिए थे उस समय उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने ठीक माना। और इसलिए वो बहुत विद्वान भी थे जी। हम लोग जाते थे राजनीतिक घटनाक्रम जब चला तब कई बार जाना उनके पास हुआ, तो वो बात को ध्यान से सुनते थे और सुनने के बाद जो संवैधानिक था या जो नियमानुसार था वो ही निर्णय वो करते थे, सबसे मिलते थे, सबसे उनके अच्छे संबंध थे और निर्वाद व्यक्तित्व उनका पूरा राजनीतिक जीवन का रहा है। वैचारिक रूप से दृढ़ थे वो, अपने विचार के प्रति, राष्ट्र के प्रति पूरा जीवन समर्पित था उनका। तो ऐसे राजनेता हमारे बीच से गए हैं, ऐसे एक संविधान विशेषज्ञ हमारे बीच से गए हैं, हम लोगों की बहुत संवेदनाएं हैं और ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। भूपेंद्र सिंह जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ इस वक्त जुड़े और शोक संवेदनाएं वो भी व्यक्त कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि काफ़ी मधुर, काफ़ी सरल भाषी और सरल स्वभावी थे। निष्पक्षता से, ईमानदारी से उन्होंने मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली और जाहिर है कि उनके पूरे राजनीतिक सफर के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन सभी का यह मानना है कि उन्होंने एक ऐसी जिम्मेदारी संभाली, ऐसी सक्रिय राजनीति में रहे और ये ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उम्मीद सभी को यही थी। देखिए आप जितने भी लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही है, जितने राजनेताओं से, सबका ये मानना है कि सभी को विश्वास था कि जल्द ही लालजी टंडन इलाज करवाकर ठीक होकर एक बार पुनः मध्य प्रदेश में लौटेंगे, अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। और ये एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। डॉक्टरों ने भी हालांकि अपनी पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, दिन रात डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर निगरानी रख रही थी, नज़र रख रही थी और आज सुबह 5:35 पर उनके निधन की जानकारी मिली। ये पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति। हम रुक करेंगे, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे। सुरेश जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार हम राजनीतिक जीवन पर लालजी टंडन के बातचीत कर रहे हैं और उनका इस तरह से चला जाना उनके ये ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए एक बड़ी क्षति है। काफ़ी अहम जिम्मेदारियाँ भी उन्होंने मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर, ज़रूर उनका कार्यकाल कम रहा हो लेकिन काफ़ी सक्रिय राजनीति में वो रहे और विपक्षियों के भी वो काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे। आपकी पहली प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय लालजी टंडन
के दुखद निधन से मैं स्वयं बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि वे अत्यंत सूझबूझ के साथ व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम करने में आस्था रखते थे। समय समय पर उन्होंने जो जिम्मेदारियां निभाई वो बहुत ही समर्पित भाव से निभाई, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जब जब भी मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला उन्होंने हमेशा उचित मार्गदर्शन दिया, और समय समय पर दिल्ली में भी जब उनसे मुलाकात होती थी एक दो मर्तबा अटल जी के निवास पर उनसे मिलने का अवसर मिला, तो उस समय भी जब उनसे चर्चा हुई तो लगता था कि हम एक व्यापक दृष्टिकोण वाले महानुभाव से चर्चा कर रहे हैं। आज के समय में राज्यपाल लालजी टंडन जी का स्वर्गवासी होना निश्चित रूप से देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और मध्य प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि राज्यपाल के रूप में उन्होंने हमेशा विधि सम्मत और संविधान के अनुसार काम करने का प्रयास किया है। मेरी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है और उनके परिजनों को ईश्वर ये दुख सहने की क्षमता दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। सुरेश पचौरी जी हमारे साथ जुड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, पूरे जीवन गाथा पर लालजी टंडन के हम नजर डालें तो 12 अप्रैल 1935 में उनका जन्म हुआ और अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उसके बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की और 1958 में लालजी टंडन, जो कि उनका विवाह हुआ 1958 में कृष्णा टंडन के साथ, उनके बेटे गोपाल जी टंडन जो कि समय यूपी में योगी सरकार में मंत्री हैं, और संघ से जुड़ने के दौरान ही लालजी टंडन की मुलाकात, उनकी भेंट अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं लालजी टंडन के निधन के बाद, और ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की है। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि लालजी टंडन ने हमें सदैव सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम और प्रगति के लिए योगदान को चिरकाल तक याद रखा जाएगा। वे आज हमारे बीच नहीं है, परंतु अपने सुविचारों द्वारा वे हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। हम रुक करेंगे, हमारे साथ प्रभात झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि उम्मीदें तो सभी को ये थी कि एक बार पुनः लखनऊ से इलाज कराकर ठीक होकर जल्दी लालजी टंडन राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, हमारे बीच आएंगे, लेकिन शायद ईश्वर को ये कबूल नहीं था। उनके निधन की बहुत दुखद सूचना मिली है, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? निश्चित तौर पर जब कोई ये तो तय है कि ये शरीर आया है तो जाएगा। मैं जिस दिन उनसे मिलने गया था लखनऊ जाने के पूर्व, उन्होंने मुझे बुलाया था कि एक किताब उन्होंने लिखी है, अभी वो प्रस्तावित ही थी, मतलब प्रूफ रीडिंग करना था, स्मरणांजलि। उनके जीवन में जितने भी अच्छे संस्मरण थे उनका योग उन्होंने बनाया था, और उस पुस्तक की प्रूफ पढ़ने के बाद मैंने लखनऊ में जब पहुंचे तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ ली है, कुछ करेक्शन है, उसको ठीक करेंगे। तो उन्होंने कहा इसका लोकार्पण कैसे करेंगे, मैं प्रभात जी जल्दी स्वस्थ होकर आता हूँ, इसको ठीक करेंगे अपन। उस समय तक वो हॉस्पिटलाइज नहीं थे, थोड़ा सा तबियत नासाज थी, वो आह्लादित विचार के लोग थे, एकदम हंसमुख थे, कभी मैंने उनके आंखों में आंसू नहीं देखे। मैं लगभग 30 वर्ष से उनसे परिचित हूँ, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उनके साथ रहा जी। वो नूतनता की ओर बढ़ने की सदैव प्रेरणा देते थे, नए लोगों को लाने की कोशिश करते थे, लेकिन एक ही बात कहते थे कि नूतनता की ओर जरूर बढ़े परंतु पुरातन को नहीं छोड़े, क्योंकि पुरातन परंपरा है, सनातन है, उसके अनुभव से ही यौवन की ऊर्जा काम आएगी। ऊर्जा और अनुभव दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो समाज में कमल भी खिलेगा और जनसंघ का दिया जब था तो दिया भी जलेगा। उन्होंने अहर्निश काम किया विचारधारा के लिए, अनुशासित थे, सांसद के रूप में भी मैं उनके साथ था, अनेकों बार मैं चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश गया हूँ, 4-4 महीने उनके साथ रहा हूँ, और वो मीडिया फ्रेंडली थे, वो चना और लैया खिला के लोगों से सब प्यार से काम ले लेते थे। मैंने उनके देखा शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार के राज्यपाल के रूप में मिला मैं, वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में भी वो कर ही रहे थे,
लेकिन क्या करें, विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा। उससे काफी बड़े थे लेकिन बड़े स्नेहिल थे, वो मित्रवत सबसे बात करते थे। और आपने देखा कि इस समय जब उनका एक अनुभव आया था, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो राज्यपाल की भूमिका संविधान में क्या होती है और संवैधानिक रूप से अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए किस तरह से काम करना, संविधान को क्षति भी न पहुंचे, ये सारी चीजें देखने को मिली। एक शरीर जरूर एक शरीर था लेकिन उसके विविध आयाम थे और उन आयामों को समाज के लिए उन्होंने सदैव जिया। मुझे इस अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनके परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए उनके परिवार को ईश्वर हिम्मत दे, यही प्रार्थना करता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा हमारे साथ जुड़े, वो भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। काफ़ी सरल सहज स्वभावी लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे, 85 साल की उम्र में वो हम सभी को अलविदा कहकर चले गए और उनका निधन हो गया है और हर कोई अब शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। ये सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। इधर लालजी टंडन जिन्होंने मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर, जरूर एक कम उनका कार्यकाल रहा हो लेकिन जो भी कार्यकाल उनका रहा है, छोटा कार्यकाल रहा है, काफ़ी दिलचस्प उनका कार्यकाल रहा है। ईमानदारी से, निष्पक्षता से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और इधर बंसल न्यूज़ एड शरद द्विवेदी ने जब उनसे इंटरव्यू लिया, बातचीत की, उसके कुछ अंश आपको सुनाते हैं लालजी टंडन के। और हजरतगंज में कई कॉफी हाउस, हजरतगंज में अभी भी है अब, लेकिन जी अब ना काफ़ी हाउस कल्चर वाले लोग रह गए और ना वो व्यवस्था रही। जी जी, सैकड़ों लोग प्रतिदिन आके, कुछ लोग तो दिन भर बैठे बैठे काफ़ी पी रहे हैं और बहस कर रहे हैं। जी जी, वो दृश्य देखने वाला होता था। मुद्दा देश के मसले होते थे, मतलब अपनी अपनी बात पे बहस हो रही। जी, कभी ये लगता था जी कि कहीं ये मारपीट तो नहीं कर लेंगे तो जी, लेकिन वहां से जब उठते थे तो एक दूसरे के गले में हाथ डालते हंसते हुए आ रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। तो जिन्होंने देखा वो रुद्र रूप, हाँ, अब ये रूप देख के उनको हैरानी होती थी कि क्या हो रहा था, कि नाटक कर रहे थे क्या। सुना आपने लालजी टंडन का एक अंश, आपने सुना इंटरव्यू का और अपने अनुभव वो बताते हुए नजर आए। यही उनकी खासियत थी लालजी टंडन, क्योंकि एक सक्रिय राजनेता के तौर पर, राज्यपाल के तौर पर तो हम उन्हें जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी लखनऊ को लेकर और काफ़ी उनका एक अपना राजनीतिक जीवन जो कि काफ़ी प्रेरणादायक रहा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से काफ़ी कुछ सीखा और यही कारण है कि लालजी टंडन ये कहते भी थे कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और उन्हें मैं अपना एक पिता और अपने एक भाई के तौर पर देखता हूँ। उन्होंने काफ़ी कुछ लालजी टंडन ने उनसे सीखा, राजनीतिक की शुचिता जो है, शुचिता राजनीति में जो होनी चाहिए, मर्यादा भाई, वो तमाम बातें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से सीखी। संघ से जुड़ने के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई थी और लालजी टंडन ने अटल बिहारी वाजपेयी से काफ़ी कुछ सीखा, उनके काफ़ी करीबी रहे, काफ़ी सहयोगी भी रहे। लालजी टंडन ने खुद कहते रहे कि राजनीति में उनके साथी, उनके भाई और पिता, तीनों की भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी ने अदा की। उनका राजनीतिक सफ़र 1960 से शुरू हुआ, 1960 जब उनकी उम्र, उनकी आयु 25 वर्ष थी, 25 वर्ष की उम्र में लालजी टंडन सक्रिय राजनीति में आए। उसके बाद दो बार वो पार्षद रहे, दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में 1990 की हम बात करें तो उस 90 के दशक में भाजपा और बीएसपी की गठबंधन की जब सरकार बनी तो उस वक्त गठबंधन की सरकार में लालजी टंडन का काफ़ी अहम योगदान रहा। के बाद 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक लालजी टंडन दो बार उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने, उन्हें 1991 और 1991 से 92 की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और इसके बाद
कई पदों पर रहे। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लालजी टंडन के निधन की खबर सुनकर शोक हुआ। उनके निधन से देश ने एक लोकप्रिय जननेता, योग्य प्रशासक और प्रखर समाज सेवी को खोया। ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति की अपील की है, प्रार्थना की है। वे लखनऊ के प्राण थे। हम रुक करेंगे, हमारे साथ इस वक्त महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मंत्री फोन लाइन पर जुड़ गए। महेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? उम्मीद तो सभी को ये थी कि लालजी टंडन जल्द ही ठीक होकर लखनऊ से एक बार पुनः मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए लौटेंगे, लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था, नियति में कुछ और ही था और ये एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है, निधन हो गया लालजी टंडन का। आपकी पहली प्रतिक्रिया? मुझे याद है, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बनकर वो आए थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे भेंट की थी, सौजन्य भेंट, और मैंने पाया कि इतने सज्जन, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत आशीर्वाद हमको दिया। और आज उनके इस दुखद निधन पर मैं निश्चित रूप से बहुत दुखी हूँ और ये उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि देश के लिए एक पूर्ण क्षति है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। महेंद्र सिंह सिसोदिया कैबिनेट मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और शोक संवेदनाएं उन्होंने भी व्यक्त की हैं। और उन्होंने खुद ये कहा है कि जब उनकी मुलाकात राज्यपाल लालजी टंडन से हुई थी तो उन्होंने खुद ये अनुभव किया, उन्होंने खुद ये पाया कि कितना सहज, कितना सरल उनका स्वभाव है। सबसे मिलकर सहज तरीके से, सरल तरीके से उनका जो स्वभाव था वैसी ही उनकी बोली थी, उनकी बोली में भी मिठास थी। सबको सुनना धैर्यपूर्वक और उसके बाद सभी को साथ लेकर चलना, निष्पक्षता से, ईमानदारी से उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी राज्यपाल के तौर पर वो निभाई, क्योंकि एक संवैधानिक पद होता राज्यपाल, और उस ईमानदारी के साथ अपने पद को, अपनी ईमानदारी से अपने काम को उन्होंने पूरा किया। मध्य प्रदेश के पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली। मध्य प्रदेश में ज़रूर उनका कार्यकाल थोड़ा कम वक्त का रहा, क्योंकि 2019 में ही उन्होंने राज्यपाल की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में संभाली। उसके पहले आनंदीबेन पटेल ये जिम्मेदारी संभाल रही थी, और आनंदीबेन पटेल जब उत्तर प्रदेश की उन्हें राज्यपाल बनाया गया और लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद 2019 से उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली और कुछ वक्त से वो बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता में चल रहा था, वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालांकि समय समय पर जब हेल्थ बुलेटिन जारी होते थे तो डॉक्टर्स की टीम ज़रूर ये कहती थी कि अभी हालत में थोड़ा सुधार है, हालत उनकी स्थिर है, क्योंकि मुख्यतः सांस लेने में उन्हें काफ़ी तकलीफ होती थी और डॉक्टर्स की एक पूरी टीम दिन रात उनकी सेहत का ख्याल रखती थी, ध्यान रखती थी। और कल रात को खबर है कि उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी और आज सुबह 5:35 पर ये सूचना मिली, खबर मिली, उनका दुखद निधन हो गया। दरअसल लालजी टंडन यही कारण है कि वो काफी लोकप्रिय थे, विपक्षी पार्टियों के भी काफी लोकप्रिय नेता थे। आपको चलिए एक और इंटरव्यू का एक अंश सुनाते हैं। राज्यपाल लालजी टंडन का जब इंटरव्यू लिया बंसल न्यूज हेड ने, तो क्या उनके अनुभव रहे, क्या कुछ उन्होंने इंटरव्यू में कहा, एक अंश आपको सुनाते हैं। उस समय हम छोटे थे जी, तो जैसे पहले होता था कि तीर्थयात्री जाते थे जी, तो उस बस्सी के तमाम लोग उनको, जो बस से अगर जाते थे या रेल से जाते थे जी, तो वहाँ तक वो शंख और घड़ियाल बजाते हुए उनको बड़े धूमधाम से पहुँचाने जाते थे जी। उसी तरह जब ये सत्याग्रह भी थे, इनको पुलिस लेने आती थी जी, तो हम लोग भी वो थाली वाली कुछ पीटते हुए लेके जाते थे। हाँ, और जब वो बैठ गए पुलिस की गाड़ी में तब नारे लगाते हुए चले आए जी। नेताओं में से एक थे, लखनऊ के विकास के लिए भी उनने अनेक योजनाएं और कार्य संपादित किए हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार में भी बतौर मंत्री के रूप में भी उनने कार्य किया है।
आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये हम सब के लिए बड़ा एक तरह से ये असहाय महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक पालक के रूप में हम लालजी टंडन जी को देखते थे। वो मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक की हैसियत से, वरिष्ठ राजनेता के हैसियत से और समय पर उचित संवैधानिक मार्गदर्शन देने की हैसियत से आज लालजी टंडन जी का स्थान अपने आप में एक रिक्त स्थान है और इसके कारण हम लोग असहाय और अभाव महसूस कर रहे हैं कि इस पालक कौन पालक के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करेगा। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को आप सुन रहे थे और राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद वो भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार सभी को इस बात का था कि जल्द ही वो पुनः ठीक होकर लखनऊ से लौटेंगे और मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर वो अहम जिम्मेदारी अपनी एक बार पुनः निभाएंगे, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और दुखद सूचना उनकी मिली। आज सुबह 5:35 पर उनका निधन हो गया और ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। इस बात की जानकारी खुद उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट करते हुए दी और उन्होंने ट्वीट किया कि बाबूजी नहीं रहे। एक और दिलचस्प किस्सा जो लालजी टंडन का याद रहता है, ये बात 2002 की है, 22 अगस्त 2002 की, जब बीएसपी प्रमुख मायावती ने लालजी टंडन को एक चांदी की राखी बांधी थी। जब उन्हें अपना भाई मायावती ने लालजी टंडन को बनाया था, 2002 की ये बात है, क्योंकि 90 के दशक में गठबंधन की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की, और उस वक्त लालजी टंडन की उस गठबंधन की सरकार को बनाने में काफ़ी एक कहेंगे हम एक अहम उनका योगदान था, एक अहम रोल था। आकस्मिक निधन हुआ है, श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे, लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आज प्रातः उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और लखनऊ का प्राण लालजी टंडन को उन्होंने बताया। देखिए आप, हम रुक करेंगे इस वक्त, हमारे साथ भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। आलोक जी, सभी को इंतजार था कि लालजी टंडन लौटेंगे स्वस्थ होकर, एक बार पुनः अपनी जिम्मेदारी राज्यपाल के तौर पर संभालेंगे, लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था। दुखद खबर उनके निधन की मिल रही है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, आज बाबूजी का जाने का समाचार मिला, मन को काफी दुख हुआ। श्रद्धेय बाबूजी हम सबके आदर के केंद्र थे, वे कुशल संगठक थे, वे अच्छे प्रशासक थे, उनका राजनीतिक जीवन बेदाग रहा। श्रद्धेय बाबूजी मैं कहूंगा कि एक राजनीति की पाठशाला थे, उन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का कार्य किया। उनका जीवन नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को समाज सेवा में किस तरह से कार्य करना चाहिए प्रेरणा देता रहेगा। श्रद्धेय बाबूजी का जाना
हमारे मध्य प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरी क्षति है। इस दुख की घड़ी में मैं बाबूजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे बात करने के लिए। पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं वो भी, और ये ना सिर्फ प्रदेश के लिए देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय गहरी क्षति है। बाबूजी जो 85 साल की उम्र में चले गए। तो लगातार आपको हम लालजी टंडन की जीवन गाथा भी बता रहे हैं और आपको इंटरव्यू के अंश भी सुना रहे हैं कि किस तरह से लालजी टंडन के अनुभव रहे, किस तरह से उन्होंने अपनी व्यक्तिगत निजी जीवन की बात करें या फिर राजनीतिक जीवन की बात करें, किस तरह से उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली, क्या उनके अनुभव रहे। एक और आपको इंटरव्यू का अंश सुनाते हैं। वैसे तो भारतीय संस्कृति में जी असहमति जो है वो एक तरह से हर भारतीय के रक्त में है। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तो बड़ी कड़वी बहस होती थी, उन सड़कों पर भी होती थी, उन महफिलों में भी होती थी जी, इन काफी हाउसेस में भी होती थी जी, और वही असेंबली में भी होती थी। असेंबली में भी होती थी। आज तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कड़वी आलोचना और इतने स्वाभाविक रूप से उसको जी आनंद लेना जी, और इतनी कड़वी बहस के बाद भी कहीं किसी को गाली वाली देते नहीं सुना। आज दुख होता है कि जब राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेता जी और कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं कि जिसको ना मैंने इतने लंबे जीवन में कभी सुना ना बर्दाश्त किया ना उसने कोई रुचि ली, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आज हमारा चला गया।